हेलो दोस्तों, आज फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं जिससे आप लोग इसको आसानी से बना सके। ठीक है, पिछला वीडियो में आप लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, ये सब जितना भी क्वेश्चन हुआ है ठीक है आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप लोग को लाइन बाई लाइन एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल पर जाया जाएगा। ठीक है, अभी सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोग को धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को एक हार्ड लेवल पर ले चला जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बढ़िया पढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस संख्या का 40% 800 रुपया है। ठीक है, लिख देंगे किस संख्या का, तो मान लेंगे कि माना संख्या x है। लिखेंगे माना संख्या जो है क्या है, माना संख्या x है, तो x का, तो देखिए किस संख्या का, तो मान ली है संख्या x का, तो x का माने गुना होता है। ठीक है, का माने गुना, आप 40% दिया है। ठीक है, 40% कितना है, 800 है, तो 800 लिख देंगे, 800, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिख दिए, का मतलब गुना होता है, का मतलब याद रखिएगा गुना होता है, 40 लिख दिए, 40 कितना है, तो 800, तो 800 लिख दिए। अब एक्स गुने लिख देंगे 40, अब बटा में परसेंटेज घटाने के लिए क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को देखिएगा पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। अब बराबर कितना हो जाएगा, 800, 800। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए देखिए बराबर के उधर ले जाएंगे तो देखिए भाग में है ना, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे x गुना 4, ये 800, आ गुना में देखिए भाग में है इधर, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो इधर लिख देंगे 10, यानी x बराबर 800 गुना में 10, आई देखिए गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो 4 दूना 8 यानी 200, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया, यानी 2000 रुपये का 40% 800 रुपया होगा। ठीक है, इतना रुपया होगा, एकदम सिंपली आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस संख्या का 20% 400 है, तो वह किसी संख्या का 20% 400 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए किस संख्या का 20%, तो माना संख्या, हम फिर इसमें मानेंगे क्या चीज़, माना संख्या क्या है, एक्स है, तो एक्स मान लिए। अब देखिए x का 20%, तो 20% कितना है, 40, 400 है, 400, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, अब सिंपली कटा देंगे, 20 25 100 50। अब हम लोग का आ गया क्या चीज़, x बटा में 50 आ गया, अब बराबर कितना, 400। अब x बराबर देखिए 400, आइए भाग में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी गुना कर देंगे, यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 2 को 0, यहाँ पे 1 को 0, 3 को 0, तो 1 2 3 0 बैठा दिए, इतना हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, 5 चौका 20 लिख दिए, तो 20 लिख दिए, आ देखिए 2 को ये 1 ये, 3 को 0 हुआ, 3 को 0 उतार दिए, हो गया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी संख्या का 10% 500 है तो वह संख्या क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माना संख्या एक्स है, फिर हम लोग क्या मानेंगे, माना संख्या एक्स है, तो मान लीजिए संख्या x है, का मतलब गुना, आ 10 है, तो 10, आप परसेंटेज घटाने के लिए क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, अब बराबर ही 500 है, तो 500 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया। अब देखिए x बटा कितना आ गया, 10, अब बराबर कितना, 500। ठीक है, अब x बराबर ये 500 तो ऑलरेडी है, इसको ये देखिए गुना में है तो उधर, भाग में है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, 5000 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक्स का 20% 1000 है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक्स का 20%, तो 20% घटाने के लिए क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 1000। ठीक है, अब देखिए फिर 20 25 100, यानी एक्स बटा कितना आ जाएगा, 5 x/5 बराबर कितना, 1000। अब फिर एक्स, आई देखिए गुना में है तो इधर, भाग में है तो उधर आ गया तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 1 में गुना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5000 आंसर। ठीक है, अब इतना ट्रिक लिए आप लोग, सब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल को और सपोर्ट करिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप लोग को एकदम ट्रिकली समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे हम भी मोटिवेट हों और क्वेश्चन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक है, अभी लेवल धीरे धीरे पीछे वाला में सब लेवल आप लोग देखे होंगे। ठीक है, दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदले, ये सब आप लोग का लेवल था, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए यहाँ तक ले गए हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड आप लोग का धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाते जाएंगे और लेवल का क्वांटिटी और भी बढ़ेगा।
ठीक है, कुछ प्रैक्टिस वर्क भी देंगे आप लोग को बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।